हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये काले चने को बस ऐसे ही प्याज और मिर्च में तड़का दे करके और बस इसको ऐसे ही भून लेना है। चाय के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, यूपी में काफ़ी फेमस है ये। तो बस मैं यही बना रही हूँ अभी और इसको ऐसे कढ़ाई में थोड़ा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है पर अच्छा लगता है चाय के साथ। तो बस अभी ये बना रही हूँ, फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर बाकी के काम करेंगे। और आज है 13 अगस्त। आज नागपंचमी है। आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस दिन की शुरुआत हो गई है, व्लॉग शुरू हो चुका है। तो आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए। और ये देखिए चने बन गए हैं। नाश्ता करके फिर मैं आ गई थी ऊपर क्लीनिंग करने के लिए। तो बस क्लीनिंग वगैरह करके फिर नीचे जाऊंगी लंच बनाने के लिए। और लंच में कुछ खास नहीं, सादा खाना बना था हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी इसलिए। तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। और ये 2-3 दिन के धुले हुए कपड़े थे जो मैंने सोचा आज पहले तह लगा दूँ, नहीं तो फिर रह जाएंगे। तो क्लीनिंग करने के बाद पहले मैंने कपड़ों में तह लगा लिया था और काम की वजह से मैं डायरेक्ट बात भी नहीं कर पाई। तो अभी जब फ्री होंगी तो आपसे बात करूँगी। तब तक आप लोग व्लॉग इन्जॉय कीजिए। और अभी बस मैं आ गई थी वापस से किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैंने सिंपल खाना बनाया था, चावल दाल और चोखा, और साथ में रोटी भी थी। तो बस यही सादा खाना था। तो चलिए आप लोग देखिए व्लॉग और अभी मैं आपसे बात करूंगी थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 13 अगस्त, आज नागपंचमी है। आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं तो सारा काम फिनिश हो चुका है। मैंने 12 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया था वैसे भी, तो अभी 2 बज चुके हैं। खाना भी सब लोगों ने खा लिया, बर्तन धुल गए हैं, किचन क्लीन हो गया, सारा काम हो चुका है अभी। और अभी मैं जा रही हूँ दक्षिता को थोड़ी मेहंदी लगाने। आज नागपंचमी है इसलिए देखूँगी, थोड़ा अपने हाथ में भी लगाऊँगी। और आज शाम को मुझे कहीं जाना है तो देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाती हूँ ब्लॉग। तो चलिए पहले दक्षिता को मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। दक्षिता को मैंने मेहंदी लगा दी है अभी और 4 बज गए हैं अभी, तो नहीं 4:30 हो रहा है, एक्चुअली 4:30 हो गए हैं। और दक्षु अपनी मेहंदी दिखा दो। दिखाऊंगी
और दक्षु को मैंने मेहंदी लगा दी है और मैं रात में लगाऊंगी, अभी टाइम नहीं है क्योंकि कहीं जाना है इसलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रेडी होने, तो चलिए रेडी होकर फिर आपसे मिलती हूँ। जल्दी करो, वेरी गुड। बस अभी दक्षिता ट्यूशन का काम कर चुकी थी तो उसके नेल्स बड़े हो रहे थे, मैंने सोचा कट कर दूं, नहीं तो फिर कल सैटरडे हो जाएगा, तो सैटरडे को हमारे यहाँ नहीं काटते हैं, तो बस इसीलिए अभी मैं उसके नेल्स कट कर रही हूँ। और 5:30 आई थिंक हो रहे थे अभी। तो गुड इवनिंग, तो अभी शाम के 6:25 6:30 होने वाले हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी जाना है मुझे कहीं, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। और दक्षु की मेहंदी रच गई, दक्षु मेहंदी दिखा दो, ये देखो। तो दक्षु की मेहंदी लग गई है, मैं रात में लगाऊंगी। और अभी मैं जूस पी रही हूँ और थोड़ा हवा खाने बैठी हूँ रूम में, हवा खाने रूम में बैठी हूँ मम्मी के। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दक्षु बाय कर दो, बाय। खुश क्या बात है।